अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी ये एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमंस के अंदर इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी क्रिएट करता है, यानी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। इसी वजह से इसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। इसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। और ये काइंड है रेट्रो वायरस की। HIV इज़ अ काइंड ऑफ रेट्रो वायरस, और इसका जेनेटिक मटीरियल RNA होता है। रेट्रो वायरस कहाँ से निकला है? रेट्रो वायरस मीन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, यानी इन वायरसेस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो हेल्प करता है इन वायरसेस को RNA को DNA में कन्वर्ट करने में, क्योंकि इनमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। सो दे कैन कन्वर्ट देयर RNA इनटू DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वायरसेस अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, नाउ वी नो दैट द मेन वे और मेन पाथवे ऑफ सेंट्रल डॉग्मा, जिसमें DNA से RNA बनता है, यानी DNA में इंफॉर्मेशन है और DNA से मैसेंजर RNA बनता है, या RNA बनता है, और इस फिनोमेना को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ये आप जानते होंगे। अब जब इस फिनोमेना को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी RNA से DNA जब बनेगा तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से होता है, इसी वजह से इन वायरसेस को रेट्रो वायरस कहा जाता है। हो गया क्लियर? अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये रफली स्फेरिकल वायरस होते हैं, यानी इनकी स्ट्रक्चर राउंड सी स्ट्रक्चर होती है और इन्वेलप होता है इसके अलावा इनकी स्ट्रक्चर में, यानी इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और लिपोप्रोटीन को कोई एंजाइम कोई जीन इनका कोड नहीं कर रहा होता। ये लिपोप्रोटीन की लेयर होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से अपने ऊपर लपेटते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स के कुछ स्पाइक्स नज़र आएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे। फिर इसके अलावा आपको कैप्सिड भी इनके अंदर प्रेजेंट मिलेगी, और कैप्सिड बुलेट शेप का कैप्सिड इनके अंदर आपको मिलेगा। कैप्सिड का फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और इनके अंदर RNA के दो आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये इनका जेनेटिक मटेरियल RNA है और RNA के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और इनके RNA के अंदर 9 जीन्स को कोड करने की एबिलिटी होती है। ये इनकी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम ज़रा डायग्रामेटिकली इनकी स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं, HIV वायरस की स्ट्रक्चर को। सो वी नो दैट दीज आर स्फेरिकल वायरस, सो ये राउंड रफली स्फेरिकल इनकी स्ट्रक्चर होगी, और ये एनवेलप्ड वायरस हैं तो इनके आउटर मोस्ट लेयर लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होगी। ये आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही होगी, ये जो ब्लैक कलर की जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे इनवेलप कहा जाता है, और इनवेलप हमने बात की किस से मिलकर बना होता है, लिपोप्रोटीन से। और ये कहाँ से डिराइव होता है? होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से, यानी ये जब इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को, होस्ट सेल को, तो जब होस्ट सेल से बाहर निकलते हैं तो होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर लपेट लेते हैं। इसका इनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा ये होता है कि ये ह्यूमन के इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस तरीके से बच जाते हैं कि अपने ऊपर इन्वेलप लपेटा होता है, और वो इन्वेलप हमारी बॉडी के अपने सेल्स का होता है। सो इम्यून सिस्टम इन वायरसेस को पहचान नहीं सकते, क्योंकि इनके ऊपर कवरिंग जो है हमारे अपने सेल्स की हुई भी होती है। सो ये हमारे इम्यून सिस्टम इनको सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि ये वायरसेस हैं या हमारी अपनी बॉडी के कोई पार्टिकल्स हैं। सो इस वजह से इन्वेलप इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा इन्वेलप के अंदर कुछ मैंने बताया आपको स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, ये ऑल अराउंड द इन्वेलप प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर मैंने थोड़े से एरिया में ड्रा कर रखे हैं। और ये स्पाइक्स जो हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होते हैं, और इनको जीन्स कोड कर रहे होते हैं वायरसेस के अपने जीन्स। ये जो स्पाइक है इसका जो हेड होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 से मिलकर बना होता है, और ये स्टॉक जो होती है जो डंडी से होती है ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 से मिलकर बनी होती है। 120 और 41 स्पेसिफिक साइज को शो कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी कोई यूनिट आई थिंक बहुत स्मॉलर यूनिट होगी। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक रिसेप्टर पैटर्न ऑन होस्ट सेल। ये ग्लाइकोप्रोटीन होस्ट सेल का स्पेसिफिक जो रिसेप्टर पैटर्न्स होते हैं ना उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके साथ जाकर अटैचमेंट करते हैं। उसके बाद इंटरेक्शन होता है और उससे क्या होता है, फिर ये वायरसेस इंटर हो सकते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन।
फिर एनवेलप के अंदर एक और लेयर होती है प्रोटीन से जो मिलकर बनी होती है, इसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है। और ये P17 से मिलकर बनी होती है ये लेयर, यानी प्रोटीन 17 से, इसे वायरल प्रोटीन आप कह सकते हैं। फिर थोड़ा सा और अंदर आते हैं इसकी स्ट्रक्चर में, तो आपको यहाँ पर एक कैप्सिड नज़र आएगा जो कि बहुत सारे स्मॉल मोनो कैप्सोमेयर से मिलकर बना होता है। ये हर जो स्मॉल पोर्शन है प्रोटीन का सब यूनिट, उसे कैप्सोमेयर बोलते हैं। और ये होल स्ट्रक्चर कैप्सिड कहलाती है और ये P24 से मिलकर बनी, यानी इसमें प्रोटीन 24 प्रेजेंट है। ठीक है, कैप्सिड की स्ट्रक्चर बुलेट टाइप होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और आपको पता है कैप्सिड का काम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सो कैप्सिड के अंदर हमेशा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। सो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, और यहाँ पर आपको आरएनए के दो स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे होंगे ब्लैक कलर में। सो दिस इज़ दी आरएनए एंड दे हैव टू स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए। हर स्ट्रैंड के अंदर 9 जीन्स को कोड करने की एबिलिटी है, ठीक है। और ये दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होने का इसको फ़ायदा क्या होता है कि इससे इसके अंदर डिफरेंट जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो सकती हैं और डिफरेंट स्ट्रैंड्स इसके अंदर बन सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि सम टाइम एक्स आरएनए स्ट्रैंड इसका किसी वजह से डिग्रेड हो चुका है, उसमें म्यूटेशन आ गई है, नॉन फंक्शनल हो चुका है, तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो सारे एंजाइम को कोड करके वायरस, अपने जो न्यू वायरसेस हैं उनकी प्रॉपर सिंथेसिस कर सकता है। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, वो हम फिर कभी जब एडवांस लेवल कोर्स की तरफ चलेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन वायरसेस के अंदर आपको कुछ इंजाइम्स प्रेजेंट मिलेंगे, जैसे कि सबसे मेन इंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम मिलेगा, जिसका काम क्या है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना। अब आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है कि डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट हो सकता है ह्यूमन न्यूक्लियस के अंदर, ह्यूमन डीएनए के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, सो इनका जब आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा तो डीएनए जो है हमारे अपने डीएनए में इंटर हो सकता है। और ये फिनोमेना इनका एक और एंजाइम है जो इंटीग्रेज वो परफॉर्म कर रहा होता है। इंटीग्रेज क्या करता है, जो डीएनए बन जाते हैं उसे हमारे डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। इसके अलावा आपको प्रोटीएज एंजाइम भी इनके अंदर मिलेगा। प्रोटीएज एंजाइम का काम क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स बनती हैं वायरसेस की, जो अमीनो एसिड की लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं, वो शुरू में नॉन फंक्शनल होती हैं। सो उनको प्रोटीएज एंजाइम स्पेसिफिक जगहों पर कट लगाता है, उनको ब्रेक करता है और वो उनको फंक्शनल बनाता है। सो ये 3 मेन एंजाइम इनके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अलावा और एंजाइम भी होते हैं, बट आपकी बुक तक की हद तक यहीं तक मेंशन किया हुआ है। और इनके जो जीन्स होते हैं वो ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन को कोड कर रहे होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन 41 को कोड कर रहे होते हैं, कुछ ये प्रोटीन 17 को कोड कर रहे होते हैं, प्रोटीन 24 को कोड कर रहे होते हैं, ये एंजाइम्स को कोड कर रहे होते हैं। सो इस तरीके से आरएनए के जीन्स कोडिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, वायरसेस की सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।